उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को राजभवन ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि विधानसभा में पारित होने के बाद यह विधेयक फरवरी से राजभवन में विचाराधीन था। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। राज्य सरकार आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी सेवा में 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक मंजूर करने के लिए सरकार राज्यपाल का आभार जताती है। उत्तराखंड राज्य निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए उनके जो अधिकार हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण उनको प्राप्त हो और उसको सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया गया है और विधेयक लाकर उसको पारित किया गया 7 फरवरी 2024 को माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के लिए उसको भेजा गया था। महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब कानूनी रूप से ये विधेयक बनकर पूरी तरह से लागू हो जाएगा और जो हमने पहले ही कहा था कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों के हक सुरक्षित रहने चाहिए, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, राज्य निर्माण में उनकी भूमिका है, निश्चित रूप से हमने जो सरकार कहती है वो करती है। हम शुरू से ये कहते आए हैं कि राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए प्राथमिकता में है, महिलाएं हमारी प्राथमिकता में, हमने वो भी आरक्षण किया था और यह भी आरक्षण कर दिया है। मैं सभी आंदोलनकारियों को, उनके आश्रितों को अब विधेयक पारित होने पर सबको मैं बधाई देता हूँ।